Hello and welcome to your academy guys and very good evening to all. Happy Sunday everyone. Hi, सब लोग आ जाइए जल्दी से. क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे. आज का RRB NTPC 2020 के लिए हम तीन फैकल्टी ने 6 घंटे का एक मैराथन रखा है और कोशिश करिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएँ ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो मेरे साथ अटैच हो पाए, जुड़ पाए. और मुझे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में सब लोग बता दो कि सबको ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं या नहीं. हेलो विकी, हेलो जोसेफ, हाय, हेलो प्रदीप, हेलो. आ जाइए भाई, सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाओ. यस, शेयर कर दें सभी लोग. हेलो सुमित, वेरी गुड इवनिंग. ओके, चलिए. तो यस, 6 घंटे का मैराथन है. यहाँ पे आपके टाइमिंग्स दिए गए हैं. GAGS 5 बजे से चलेगा. फिर अमित कुमार पांडे सर जो हैं वो आपके 7-7 बजे से मैथ्स का क्लास लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और देन आफ्टर आपके रीजनिंग की क्लास होगी 9 से 11. तो 11 बजे, 9 से 11 का जो टाइमिंग है, यहाँ तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ. 5 बजे से अपना पूरा सारी चीज़ों को सेट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए ताकि आज इन 6 घंटे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल पाएँ, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल पाए, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल पाए, है ना. चलिए, थैंक यू सो मच. चलिए ओके, आगे स्टार्ट करते हैं गाइज. और भी सारी चीज़ें हैं तो सारा कुछ इसमें मैं पहले बताने वाली हूँ, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं. देखिएगा, तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये हम लोगों का चैनल है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम. आप इस चैनल पर डेली आकर के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. अगर आपको डाउट है कि मेरी क्लासेस कब होती है, तो मेरी क्लासेस का टाइमिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ. यहाँ देखिएगा, ओके जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो अभी नहीं है इसमें, मैं आगे आपको शो कर दूंगी. फिलहाल मेरी जो क्लास टाइम है वो क्लास टाइम आपका सीधे 9 बजे का रहता है. मैं डेली 9 बजे जो है वो आपके रेगुलर इसी चैनल पर आपके अटेंड करूंगी. ठीक है, या रेगुलर इसी चैनल पर मैं आपको मिलूंगी. अनअकैडमी पे आप लोग अगर अपनी प्लस क्लासेस लेना चाहते हैं, मुझे लगता है लेना चाहिए, क्योंकि 2 जनवरी से हम लोग एक बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें मैं, विकास पाठक सर, प्रणव वत्स सर, MS मुस्तफ़ा सर, हम लोग सब मिलकर के आपके लिए एक पूरा एक बेसिकली एक बैच लेकर आके आ रहे हैं. और उस बैच को आप लोग 2 जनवरी से अनअकैडमी प्लस पर अटेंड कर सकते हैं. अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं. मेरा कोड शिफाली YT10 है. अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो बेटा आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में मिल जाती हैं. जैसे आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ लेते हो, आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर सारे डाउट सेशन आपके क्लियर होंगे. एक सब्सक्रिप्शन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक सब्सक्रिप्शन से आपको अनलिमिटेड रेलवे में जितने फैकल्टीज हैं उन सबकी क्लास, प्लस बेटा वाईफाई स्टडी की जो क्लासेस हैं वो भी आपको एक सब्सक्रिप्शन से ही मिल जाएगा. तो दिस इज अ बिगेस्ट एडवांटेज, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. और जानते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फीस से भी नहीं है. आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन फी 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और आप लोग अपना यहाँ पे सेशन अटेंड कर सकते हैं, राइट. चलिए, बहुत सारी फैकल्टी, मैं हूँ, विमलेश सर हैं, दीपक कुमार सर हैं, बोरन सर हैं, सत्यम सर हैं, बहुत सारे फैकल्टीज होते हैं जिनकी सारी चीज़ों को अटेंड कर सकते हैं. सब्सक्रिप्शन अगर लेना नहीं आता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना नहीं आता तो सबसे पहले तो भैया ऐप डाउनलोड कर लो. जैसे तुम लोग जल्दी से टिकटॉक डाउनलोड कर लेते हो ना, ऐसे ही ऐप डाउनलोड करो. अपना नंबर यहाँ डालो, आपको एक OTP भेजा जाएगा. आप OTP से यहाँ पे एनरोल करिए. देन आफ्टर आप प्लस को चूज करिए. प्लस में जाके आप अपना टारगेट चूज करिए. टारगेट के बाद आपको ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का. यहाँ से आप अपना चीज़ें चूज कर सकते हो कि आपको किसी एग्जाम को तैयार करने के लिए 1 मंथ चाहिए, 3 मंथ चाहिए, 6 मंथ चाहिए या फिर 12 मंथ चाहिए. आप अपने हिसाब से इस टाइम पीरियड को चूज करो, कंटिन्यू करो. कंटिन्यू करने के बाद आप मेरा रेफरल कोड यानी कि शेफाली SHEFALIYT10 ये कोड यूज़ करिए और देन आफ्टर आप पेमेंट करिए और यहाँ से आप पेमेंट को फाइनल कर दीजिए और आप बन गए अनअकैडमी प्लस के एक स्टूडेंट और 2 जनवरी से हम सारी फैकल्टीज़ के बैच को ज्वाइन करिए. चलिए, तो ये हो गई पूरी अनअकैडमी प्लस. आपको कैसे बनना है अनअकैडमी प्लस पर, आपको कैसे आना है, ये सारी डिस्कशन स्टार्ट करते अपना सेशन GA and GS MCQ जिसमें आपको GA यानी कि जनरल अवेयरनेस
और जनरल साइंस दोनों के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन बेटा करंट अफेयर, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एमसीक्यू जो है वो आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है आपके लिए, प्रणाम, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अपनी कॉपी लेकर के साथ में बैठना, ताकि आप उस क्वेश्चन को नोट कर पाओ जो आपको नहीं आता, या फिर वो क्वेश्चन जो आप गलत कर दो उन क्वेश्चंस को बेसिकली आपको नोट करना है, आपको याद करना पड़ेगा। बफरिंग हो रही है, ओके, मैं इसको एक बार और चेक कर लेती हूँ, क्योंकि सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और मैं नहीं चाहती कि उससे पहले आपको बफरिंग मिले। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स और मैं अपना नेट चेक कर लेती हूँ एक बार। नहीं, नेट प्रॉपर है, सारी चीज़ें सेट है मेरी तरफ से। अगर बफरिंग हो रही है तो एक बार ही बेटा आप लोग अपना वो देख ले प्लीज़, एक बार अपने आकर नेट कनेक्शन देख लीजिएगा। डन है, चलिए तो स्टार्ट करें फिर जीएजीएस का एमसीक्यू सेशन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब लोग हाँ या ना बता दो, फिर मैं ये क्वेश्चन शो करना स्टार्ट करती हूँ आपके लिए। बिल्कुल विक्की, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी दोनों एग्जाम को मैं टारगेट चेक करके चल रही हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एग्जाम के लिए आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल मिलेगा। ओके, पेन कलर अभी बिल्कुल अलग हो जाएगा बिकॉज व्हाइट कलर का स्लाइड है, तो मैंने उसी हिसाब से इसको किया है। ओके, चलिए भाई सब लोग स्टार्ट है, सब लोग रेडी है, तो शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप और अपने फ्रेंड में एक कंपटीशन हो पाए कि किसका आंसर सही आ रहा है, किसका आंसर गलत आ रहा है ना, और वो लाइव आपको पता चलेगा तो फिर आपका फ्रेंड आपसे झूठ भी नहीं बोल पाएगा, है ना। तो शेयर जरूर कर दें ताकि वो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। चलिए तो मैं शो करने वाली हूँ आपको किस बात के लिए हाँ या ना, तो सेशन रेडी है, आप लोग रेडी हैं या नहीं इस बात का हाँ या ना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है बेटा, रेलवे मंत्रालय ने किस राज्य के रेलवे स्टेशन को रेलवे स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में स्थान दिया है, यानी कि विच स्टेट रेलवे स्टेशन हैव टॉप द रेलवे क्लीनिनेस सर्वे 2019 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आंसर करो। ओके, उत्सव कह रहे हैं पेन कलर चेंज कर दीजिए, तो एक काम करते हैं ब्लैक कलर ले लिया। आंसर करो जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े भी प्लीज। ओके, आनंद विकास सिंह कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, अभी केवल उन्हीं का आंसर आया। आनंद जी मुझे आपका एक बार में आंसर दिखेगा तो आप एक बार आंसर करें। जोसेफ कह रहे हैं सेकंड, ठीक है। श्री कह रहे हैं राजस्थान। ओके, तो करेक्ट आंसर कर देते हैं, और भैया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राजस्थान। आपका राजस्थान राज्य जो है इसको 2019 में रेल मंत्रालय यानी कि आपकी रेलवे मिनिस्ट्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 का जो खिताब है वो दिया था। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। अब राजस्थान में भी कभी पूछ ले कौन सा स्टेशन है, तो राजस्थान में आपका जयपुर, इससे पहले वाला राज्य जोधपुर को मिला था, इसके बाद वाला जयपुर को। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2019 का चौथा संस्करण कहाँ किया गया? तो काजिंद आपके भारत और कजाकिस्तान की इंडियन मिलिट्री के बीच में एक पूरा सैन्य अभ्यास होता है। पूछ रहे हैं कि ये सैन्य अभ्यास जिसका चौथा संस्करण किया गया है वो इनमें से किस राज्य में है, किस राज्य में चौथा संस्करण किया गया? कम ऑन गाइस, क्वेश्चन का आंसर। बीबी क्रिएशन वेरी गुड, विकी वेरी गुड। जितना क्वेश्चन को आंसर करोगे उतना मजा आएगा आपको सेशन में, उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और मैं फिर कह रही हूं कि जब भी क्वेश्चन नहीं आए उसको लिखना, अगर आप लिखोगे ना तो जब 2 घंटे अपने खत्म करोगे और जब मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस को अटेंड करोगे तब आपको लगेगा कि अरे सब सही है और मुझे भी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं।
है ना। चलिए तो करेक्ट आंसर कर देते हैं, नूर सुल्तान नहीं होगा, करेक्ट आंसर पिथौरागढ़ उत्तराखंड। और श्री जी ने आंसर किया इस क्वेश्चन का, हालांकि नैला जी ने भी आंसर कर दिया इस क्वेश्चन का, ईश्वर राव ने आंसर किया है। बहुत सही, बहुत बढ़िया गाइस। तो पिथौरागढ़ इज द करेक्ट आंसर, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, है ना, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आपके का जिंद का जो सैन अभ्यास है वो हुआ था। अब हो सकता है जैसे एक बार मैं क्वेश्चन करा रही थी तो इस लाइन से ना बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा बेटा कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में अभी हाल ही में कौन सा संस्करण या कौन सा सैन अभ्यास का संस्करण हुआ, तो आप याद रखोगे चौथा। या फिर आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कजाकिंद जो है या ये जो आपका काजिंद करके जो सैन अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच का है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच का ये है। बिल्कुल कपिल, आपको अन अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। लेकिन पीडीएफ क्लास को जब पूरे 11 बजे तक की क्लास आप लोग अटेंड कर लोगे तब हम तीनों फैकल्टी वहां पर अपना पीडीएफ मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state has emerged as the top state where most cancer patient avail treatment under प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? कौन सा राज्य शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है जहां अधिकांश कैंसर रोगियों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ उठाया है? आंसर करें जरा। हेलो अभिषेक, ओके वेरी गुड, ठीक है। नीलेश आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कोई बता दे अच्छे से। विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द टॉप स्टेट वेयर मोस्ट कैंसर पेशेंट अवेल ट्रीटमेंट अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? आंसर, छत्तीसगढ़ आंसर आया, ठीक है। हेलो अभिषेक, हाय, ओके करेक्ट आंसर करते हैं बेटा, करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर आपको गुजरात दिखता तो आप गुजरात भी इस क्वेश्चन का आंसर सही करते। गुजरात भी, छत्तीसगढ़ से ज्यादा पेशेंट्स ने अपना जो ट्रीटमेंट कराया है वो गुजरात में ज्यादा कराया है, लेकिन ऑप्शन में गुजरात नहीं है तो सेकंड नंबर पे हम छत्तीसगढ़ को लगाएंगे। करीब 4.6 लाख, 4.5 लाख के लगभग लोगों ने इसमें अपना अपना जो ट्रीटमेंट है वो करवाया है। तो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के बारे में अब जैसे आपको समझ में नहीं आता कि मैम क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे बनाए, तो यहां पे मैं आपको बोलूंगी, हेलो महेश, कि बेटा क्वेश्चन से क्वेश्चन जैसे अब आपने देख लिया कि आपको यहां वाली इस योजना का कोई आइडिया नहीं है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, तो अब ये आपका अगला टारगेट हो गया कि कॉपी में बस इतना लिख लिया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अब कल या जब भी टाइम मिल रहा है तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जुटाना शुरू कर दी, क्लियर है। तो इससे आपका करंट अफेयर और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, सबसे पुराने व्यक्ति का नाम बताइए जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। नेम द ओल्डेस्ट पर्सन हु रिसीव्ड द नोबेल पुरस्कार। हेलो पिंटू जी, हेलो एवरीवन, हाय कल्याण जी, वेलकम टू अन अकेडमी इज लाइव रेलवे एग्जाम चैनल। अकीरा, विलियम फ्रांसिस, एम स्टेनले, जॉन बेनिस्टर, गुड इनफ, वेरी गुड। विक्की जी ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लॉन्च कर दी है कि उन्होंने बताया कि भैया 23 सितंबर 2018 को ये योजना आई थी। हेलो आशीष, हाय गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपन के साथ जुड़े तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा ये अपने कमेंट्स करने में। हेलो पद्मा जी, चलिए तो करेक्ट आंसर कर देते हैं, एंड द राइट आंसर, बहुत कम लोगों का करेक्ट आंसर आया इसमें, और करेक्ट आंसर होगा आपका, नेम द ओल्डेस्ट पर्सन हु रिसीव द नोबेल प्राइज।
और इसमें करेक्ट आंसर है आपका जॉन बैनिस्टर, गुड इनफ, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड महेश स्वामी जी। तो ये है वो व्यक्ति जिन्हें बेसिकली 96 एज में, 96 वर्ष की आयु में इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, और ये ओल्डेस्ट पर्सन थे, 2019 में ही इनको नोबेल प्राइज जो है वो आपके मिला है। क्लियर है, बात समझ में आई? ओके चलिए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड उमा कुमारी जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर लाइफ, यानी कि कंसर्न वर्ल्ड लाइफ वाइड एंड वर्ल्ड हंगर इलेव द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का क्या रैंक था? आंसर करिएगा। ये रैंक वाले क्वेश्चन का पहले भी मैं एक लाइव ले चुकी हूं। कल्याण शाह जी है, भारत की सबसे लंबी 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नाशरी सुरंग जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है किस राजनेता के नाम पर है? वेरी गुड गाइस, कम ऑन आंसर करिएगा क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, इंडियाज लॉन्गेस्ट 9.2 किलोमीटर लॉन्ग चेनानी नाशरी टनल दैट लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द पॉलिटिशियन? अधिकतर लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम ले रहे हैं इसमें। वेरी गुड, सही है। स्टिल देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी ओके है, चलिए तो आप क्वेश्चन को आंसर करो। सत्यपाल मलिक को अभी हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हेलो शहनाज, आंसर प्लीज ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो अब नेट इश्यू नहीं होगा आपको। हाँ ना, ओके ओके ठीक है। तो करेक्ट आंसर गोवा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गोवा के बेसिकली 18वें नंबर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, सत्यपाल मलिक जो है वो 13वें नंबर के जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल यानी कि गवर्नर के पद पर ये रह चुके हैं या काम कर चुके हैं, ठीक है। और ये बिहार के भी राज्यपाल थे एक टाइम पे, ये लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, पार्लियामेंट में इनका काफ़ी लंबा टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड इनका स्पेंड हुआ था, ठीक है। तो बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर इन जैसे राज्यों के राज्यपाल ये रह गए हैं, रह चुके हैं, और फिलहाल अभी वर्तमान में 18वें नंबर के राज्यपाल का पद ये होल्ड कर रहे हैं गोवा राज्य का। क्लियर है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सक्सीडिंग रंजन गोगोई? रंजन गोगोई के बाद भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हेलो संजय, हाय, आंसर करिए क्वेश्चन का। और गाइस फिर से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने इस लाइव को ताकि फिर से बच्चे जुड़ पाए, बिकॉज बफरिंग के कारण शायद बच्चे चले गए। हेलो नीतू, हाय। हेलो आशीष, ओके तो ऑप्शन सेकंड आ रहा है, वेरी गुड, योगेश्वर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर शरद अरविंद बोबड़े, जिनको आप लोग एस ए बोबड़े के नाम से भी जानते हैं, ये होगा आपका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हालांकि एस ए बोबड़े जो है वो अयोध्या वर्डिक्ट जो आया था उस अयोध्या वर्डिक्ट की पीठ में या उसकी जो कमिटी थी उसमें भी ये शामिल थे। क्लियर है, चलिए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ, तो विच ईयर इज सेट एज टारगेट टू इरेडिकेट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग स्वच्छ भारत दिवस। तो स्वच्छ भारत दिवस के उपलक्ष्य में मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपका एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन के लक्ष्य के रूप में कौन सा वर्ष निर्धारित किया है? हाँ, कल्याण शाह जी, 5 बजे ही स्टार्ट हुआ है। अच्छा, कल्याण जी संजय जी को बता रहे थे। ओके, वेरी गुड, ठीक है, करेक्ट। तो 2022, बिल्कुल सही है योगेश्वर जी, करेक्ट आंसर। 2022 तक मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो आपका स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये प्रोग्राम को संकल्प लिया है कि वो एकल प्लास्टिक को यूज का यूज जो है वो 2022 तक फाइनलाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन इंडिया का बहुत बड़ा एक कारण बन रहा है। और तुम लोग भी ध्यान देना कि प्लास्टिक पोल्यूशन कम से कम करो। अब तुम लोग बोलोगे मैम इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे जैसे अधिकतर जितनी भी जो मेट्रो सिटीज होती हैं, हेलो अजीत, उन मेट्रो सिटीज में हमेशा हम लोग जो एक मिल्क का जो पैकेट आता है उस पैकेट को हम लोग ऊपर से काटते हैं। कम से कम 2.3 ट्रिलियन पैकेट का वो जो कटिंग है वो उतनी कटिंग आपके पॉल्यूशन को क्रिएट करती है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को क्रिएट करती है। तो कोशिश क्या करो कि वो कटिंग ना करो, आप सीधे इससे पैकेट पूरा अगर आप फाड़ोगे तो वो उसी के साथ अटैच होगा और अलग से कोई पॉल्यूशन या प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से आप प्लास्टिक के पॉल्यूशन को डेफिनेटली कम कर सकते हैं, ठीक है। और चूंकि आप ही भारत का यूथ है तो आपको ये सब करना आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो बनती है ना। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका 2022 का है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची नया साल निम्नलिखित में से किसके रूप में मनाया जाता है? तो द कच्ची न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर करिएगा। हाँ आशीष, बिल्कुल ओके। 15 अक्टूबर स्वच्छता दिवस, करेक्ट है, बहुत सही आंसर सी आ रहा है, यानी कि विशुवा संक्रांति। स्किप किया आशीष ने, ठीक है। ओके, सो इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करते हैं। उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आषाढ़ी बीच जो होते हैं, उन आषाढ़ी बीच के लिए आपका बेसिकली गुजरात में जो कच्छ वाला एरिया है, उस गुजरात में कच्छ वाले एरिया में ये कच्छी नया साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है आषाढ़ी बीच के लिए, ठीक है। ये बेसिकली आपका मतलब रेन जो होती है उस रेन को वेलकम करने के लिए, कच्छ में बारिश का स्वागत करने के लिए ये पूरा एक सेलिब्रेशन होता है। तो हमेशा देखना आरआरसी ग्रुप डी या एनटीपीसी में आपको ये रीजनल फेस्टिवल वाला एक आध क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शंघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, शंघाई महोत्सव इनमें से आपके कहां मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। शंघाई फेस्टिवल, ओके, सो हाँ, तो करेक्ट आंसर कर देते हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मणिपुर। भैया मणिपुर में आपके शंघाई फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, ये अधिकतर नवंबर मंथ में मनाया जाता है। अब जैसे 21 से 30 नवंबर 2020 के टाइम पर आपका शंघाई फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो जो शंघाई फेस्टिवल होता है ये दरअसल मणिपुर की जनता के द्वारा एक पूरा कल्चरल फेस्टिवल होता है, यानी कि पूरा एक सांस्कृतिक महोत्सव टाइप का ये होता है, जो कि अधिकतर 21 से 30 नवंबर के बीच में इसको मनाया जाता है, ठीक है। इसको टूरिज्म फेस्टिवल के नाम से भी कभी कभी वहाँ पे लोग जानते हैं, ओके, क्योंकि शंघाई फेस्टिवल में जो टूरिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली? निम्नलिखित में से किस शहर में हाथी उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है? आंसर करिए। हाथी उत्सव अभी तो कोई बफरिंग नहीं हो रही है, नेट स्पीड मैंने चेक कर लिया था दरअसल, क्योंकि पुराने वाले से हो रहा था तो मैंने फिर से नया नेट से उसको कनेक्ट किया है। ओके, करेक्ट आंसर करती हूँ और राइट आंसर है जयपुर। तो भाई एलिफेंट फेस्टिवल जो है वो आपके जयपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, राजस्थान का जो जयपुर सिटी है उसमें ये सेलिब्रेट होता है। ये कब होता है? तो होली वाला जो दिन होता है उस होली डे पर, यानी कि होली वाले दिन पर आपका एलिफेंट फेस्टिवल को सिंपली हम लोग मनाते हैं। एलिफेंट फेस्टिवल में होता क्या है? तो हाथी जो उत्सव है उसमें ऐसे हाथियों की पूरी पूरी मार्च निकाली जाती है, ठीक है, और हाथी डांस वगैरह भी इवन उसमें कराया जाता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित खेलों में से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ओके, आनंद कह रहे हैं 10 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, तो आनंद होली वाले दिन जब भी होली होगी तब मनाया जाएगा। करेक्ट आंसर दीजिएगा। ए ऑप्शन है बैडमिंटन, बी ऑप्शन है हॉकी, सी ऑप्शन है टेबल टेनिस और डी ऑप्शन है गोल्फ। इनमें से कौन से स्पोर्ट से सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, आंसर करो। सॉरी, हॉकी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही कपिल, करेक्ट आंसर भैया, हॉकी इज द करेक्ट आंसर। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है, ये इंटरनेशनल मैन फील्ड हॉकी की एक पूरी ट्रॉफी होती है, उसको हम लोग सुल्तान अजलान शाह कहते हैं, और ये मलेशिया में स्टार्ट हुई थी 1983 यानी कि 1983 से ये भारत में चल रही है, ठीक है। तो हॉकी में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो, हॉकी को लोग ज्यादा पसंद करें, इसके लिए आपका ये पूरा बनाया जाता है इंटरनेशनल मैन हॉकी फील्ड। क्लियर? वेरी गुड राजकुमार सिंह जी, बहुत सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत सही, विक्की ने बड़ी अच्छी एक इंफॉर्मेशन देखो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि अभी इंडिया का हॉकी रैंक जो है वो 108 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पॉइंट्स को भी लिखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, शब्द कृषि शॉट, द वर्ड एग्रीकल्चर शॉट इज नोन टू बी यूज सम टाइम इन विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? द वर्ड एग्रीकल्चर शॉट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? हेलो अनुज कुमार, हाय। हेलो राहुल भरद्वाज, ओके हाय। कम ऑन गाइस, एग्रीकल्चर शॉट जो है वो इनमें से किस खेल से संबंधित है? शब्द एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी, ये स्पोर्ट्स वाले जो शब्द होते हैं ना, बहुत क्वेश्चन देते हैं वाले, आप लोग आंसर कर सकते हैं, करिए। वेरी गुड, देखो अनुज का आंसर आया है क्रिकेट, बहुत सही, ओके करेक्ट आंसर कर देती हूँ। तो भाई ये जो आपका शब्द कृषि शॉट है, ये शब्द आपके क्रिकेट से संबंधित है। मुझे तो लग रहा था कि सारे लड़के इस क्वेश्चन में जल्दी से आंसर कर देंगे। चलो, तो क्रिकेट से संबंधित है आपका ये शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस, टेलीग्राम का मैं बता दूंगी अभी आप लोगों को, अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये पीडीएफ, तीनों फैकल्टीज वहीं पर आपको पीडीएफ दे देंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्रिकेट क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित पर्यावरण विदों में से किसने पहले जैव विविधता ISTS हॉटस्पॉट्स की अवधारणा दी थी? ए गेलार्ड नेल्सन, बी नॉर्मन मायर्स, सी जॉन मुयर और डी जुलाई होकर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट
फर्स्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? वेरी गुड आनंद सिंह जी, बहुत सही। गाइज आंसर करो इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आपके आरआरसी ग्रुप डी में हुआ था। सारिका द्विवेदी जी, किस चीज के लिए बुक पूछ रही हैं आप मुझसे बता दीजिए मैम। अनुपम केसरी वेलकम। कपिल कह रहे हैं नो आइडिया, और अनुपम जी ने लिखा है जॉन मेयर्स। ओके मुयर, चलिए तो करेक्ट आंसर कर देती हूँ। और भैया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर जो थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की अवधारणा को बताया है। आप निभा मैम की क्लास अटेंड करिए अनअकैडमी पर, वो एनवायरमेंट साइंस की फैकल्टी है, आप वहां पर उनकी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और वो भी फ्री। ठीक है सारिका जी, देखो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ चुके हैं पहले से, तो देखो एनटीपीसी के लिए कोई भी प्रॉपर बुक मैं नहीं बता पाऊंगी। मैं इतना कह सकती हूँ कि एनटीपीसी के लिए जितना चाहो उतना क्विज अटेम्प्ट करो, मतलब जहाँ से क्विज जहाँ से मॉक मिल रहा हो ना मैम, वहाँ से आप इसको करते जाइए, क्योंकि आप एक बार तो पढ़ाई अपनी कर चुकी होगी, एक बार तो आप थ्योरी जो है वो पढ़ दे चुकी होगी। ठीक है, तो अभी कोई पॉइंट नहीं है बार 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 थ्योरी पढ़ने का, तो इससे अच्छा है कि आप जो है वो क्विज अपने लगाएं ताकि आप उसको पढ़ सके दोबारा। ठीक है, क्योंकि क्विज में आपका रिवीजन भी होगा और क्विज के अंदर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती है। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं कपिला। ओके तो देखो बायोडायवर्सिटी बेसिकली हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां पर जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जो जीवित जीवधारी वगैरह है ना, या फिर उनके जो सोर्सेस हैं, चाहे वो आपके भूमि से जुड़े हो, चाहे वो पानी से जुड़े हो, हर चीज से, वो सब आ जाता है बायोडायवर्सिटी के अंदर। ओके राहुल ठीक है, मैं इसको देख लूंगी। नहीं राहुल, दिस इज नॉट माई फर्स्ट क्लास। मैं डेली अनअकैडमी पे रात के 9 बजे जो है वो लाइव रहती हूँ। मैं डेली 9 बजे लाइव रहती हूँ। ठीक है, मेरा नाम शेफाली राठौर है। आप डेली 9 बजे मुझे लाइव देख सकते हैं। मंडे से बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ डेली 9 बजे, यहीं इसी चैनल पे जिसपे आज आप लोग आए हैं। ठीक है, और अनअकैडमी पे भी आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसकी फीस स्टार्टिंग फीस जो है वो मात्र 1000 रुपये से है, तो आप वहाँ पर भी जाकर अपने कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ताकि 2 जनवरी से जो बैच मैं प्रणव वत्स सर, विकास पाठक सर, MS मुस्तफ़ा सर लेकर आ रहे हैं, उसमें आप लोग पढ़ सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और कह रहा है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर करो जल्दी से। पिन वैली नेशनल पार्क, थैंक यू आनंद जी, मैं आपको अपनी क्लास में पहली बार ही देख रही हूं शायद। उत्तराखंड बोल रहे हैं अनुज, अरे रे सुमित, वेरी गुड, बहुत सही। हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश में आपका पिन घाटी नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के एक तो लाहौल और जो सीपती जिला है, ठीक है, स्पीति जिला, इस जिले के बीच में आपका ये पिन घाटी नेशनल पार्क पूरा पड़ता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, आप लोग डेली क्लास 9 बजे अटेंड कर सकते हो, कल से डेली 9 बजे क्लास है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल सही बोला है आपने। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का मुख्यालय डैश में स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोकेटेड एट?
नितिश अनअकैडमी प्लस पर मैराथन क्लास, बिल्कुल अगर आपने बोला है तो मैं इस चीज़ को ज़रूर एग्जीक्यूट करूँगी और डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपको अनअकैडमी पे मैराथन क्लास भी मिल पाए, ठीक है, प्लस पर। बहुत अच्छा आइडिया था, वेरी गुड। चलिए, करेक्ट आंसर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर गाइस। आपका भारत मौसम विभाग जो है वो दिल्ली, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो दिल्ली में उसका मुख्यालय स्थित है। तो आईएमडी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जो कि आपके ऑपरेट करता है 100 ऑपरेशंस या ऑब्जर्वेशन स्टेशंस को, जो कि इंडिया और अंटार्कटिका तक में है, ठीक है, महाराष्ट्र नहीं है अनुपम जी, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, करेक्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गरम पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट गरम पानी अभ्यारण कहां स्थित है, जल्दी से आंसर करो। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरा, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो। ओके, करेक्ट आंसर असम इज द करेक्ट आंसर। तो गर्म पानी अभ्यारण जो है वो भारत का बेसिकली एक सबसे पुरानी सेंचुरी है, जिसमें आपका गर्म पानी का पूरा जो स्प्रिंग है या वाटरफॉल टाइप का है वो वहां पर आपको मिलता है, और ये असम से 25 किलोमीटर के अंदर अंदर वाली रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, वेरी गुड कविता, असम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फैथोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, फैथोमीटर इज यूज टू मेजर, वेरी गुड, क्वेश्चन का आंसर प्लीज। सारे क्वेश्चन है आनंद जी, सारे क्वेश्चंस है, पॉलिटी हिस्ट्री साइंस इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी सबके क्वेश्चन मिलेंगे, एंड तक बने रहिए, हर एक क्वेश्चन मिलेगा, नेचुरल था, वेरी गुड। अरे रे, अर्थ क्विक कौन आंसर लगाए दे रहा है इसमें, ऐसे मत करो भाई। फैथोमीटर, नहीं, करेक्ट आंसर है भैया फैथोमीटर जो है वो आपके इको और यानी कि साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जो है वो फैथोमीटर का यूज किया जाता है, अ टाइप ऑफ इको साउंडर, ठीक है। तो जो इको होता है उसके लिए दरअसल फैथोमीटर का यूज हम लोग करते हैं, या उसमें उसका यूज किया जाता है। आप अलग तरीके से भी लगा सकते हैं, ओशन डेप्थ में भी हालांकि फैथोमीटर यूज होता है, जिसमें जो आपकी साउंड वेव्स होती है वो साउंड वेव्स के लिए भी इसको यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका जो यूज होता है ना, वो एक्चुअल यूज वो ध्वनि की तीव्रता को बताने में करता है, ठीक है, समझ आया। आप लोग यहाँ पे अर्थक्विक के लिए बता रहे थे, हाँ 7 बजे तक रुकोगे तब ना इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोगों को। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। पता नहीं क्यों तुम लोग सिस्मोग्राफ को या सिस्मोमीटर को दिक्कत कर रहे थे, सिस्मोमीटर यूज किया जाता है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी में पिछले साल 4 पेपर में रिपीट हुआ था, पता है तुम लोगों को। चलो, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे मैंने दे दिया भैया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प अ पर्सन इंप्रूव हिज हेल्थ बिकॉज,
सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि अवरक्त प्रकाश शरीर में बैक्टीरिया को मारता है, क्योंकि प्रतिरोध शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि त्वचा में वर्णक कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती है, एक स्वस्थ शरीर तैयार होता है, और क्योंकि पराबैंगनी किरणें विटामिन में त्वचा के तेल को परिवर्तित कर देती है। आंसर करो। अनुपम, फैटोमीटर, मैंने बता दिया कि फैटोमीटर जो है वो ओशन डेप्थ में भी यूज होता है और वो साउंड इंटेंसिटी के लिए भी यूज होता है। वेरी गुड आसिफ, ठीक है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, अन अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है बेटा उस पर पीडीएफ मिल जाएगा। वेरी गुड स्वाति। ठीक है, तो करेक्ट आंसर करते हैं बेटा, और करेक्ट आंसर होगा द अल्ट्रा वायलेट रेस कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो विटामिन में त्वचा के तेल को विटामिन डी को त्वचा के तेल में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बायोलॉजिकल क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बने रहिए क्योंकि आगे तक सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आज का पूरा क्लास देख लिया तो, और इसके बाद अमित सर आएंगे आपको 7 to 9 मैथ्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, यानी कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि, बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, क्योंकि वे अंधेरे में एक बेहतर दृष्टि रखते हैं, प्रकाश सी उनमें होता है, वे उच्च पिचेड ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिन्हें अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, आंसर करिएगा। बिल्कुल सही अनुज, आसिफ, राहुल ठाकुर, वेरी गुड, बहुत सही, करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि वो एक अजीब तरीके की आवाज निकालते हैं और वो आवाज जो है वो आपके अल्ट्रासोनिक आवाज उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चमगादड़ के लिए करेक्ट आंसर ये है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी पर किस स्थान पर दिन और रात समान लंबाई के होते हैं? एट विच पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ आर डेज एंड नाइट एट इक्वल ऑलवेज? ये क्वेश्चन आपके CHSL में आया था और इसकी उम्मीद है कि अगले NTPC में आपको मिल सकता है। प्राइम मेरिडियन या फिर पोल्स पर, ध्रुव जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्रुव, ठीक है, भूमध्य रेखा पर या कहीं नहीं, आंसर करो। पीडीएफ आप लोगों को अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, मैं भेज दूंगी। इक्वेटर आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत सही। भूमध्य रेखा पर आपके दिन और रात जो है वो लंबे हो जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन अगर किसी को नहीं समझ में आते तो मैं बोलूंगी कि ज्योग्राफी के ये वाले चैप्टर के केवल MCQ अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आता तो फिर आपको ये दिक्कत करेगा। ठीक है, और अगर वैसे तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, हमेशा आप अगर ग्लोब रख के अगर पढ़ रहे हो ना तो ग्लोब से आपको ये बहुत आसानी से चमकता है। ठीक है, एक बार कोशिश करना कि ग्लोब से इसको पढ़ पाओ। ठीक है, और बाकी आप अनअकैडमी को अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर तो जनवरी में आपको मिलेगा ही ये, मैं बता दूंगी अभी चैनल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंपेगोड़ा फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? कैंपेगोड़ा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? आंसर करिएगा। गाइस शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ पाए और मैथ्स में अमित सर की क्लास में और भी ज्यादा बच्चे आ पाए, क्योंकि मैथ्स की क्लास 7 to 9 है। चलिए तो करेक्ट आंसर करते हैं, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आधी से ज्यादा जनता इसमें हैदराबाद आंसर कर रही है, बट करेक्ट आंसर दिल्ली है।
ठीक है, आपके दिल्ली में बेसिकली मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी ने इनॉग्रेट किया था कैंपेगौड़ा फेस्टिवल को, तो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद नहीं होगा। कैंपेगौड़ा फेस्टिवल दिल्ली में मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, और ये फेस्टिवल जो है वो आपके नादा प्रमुख कैंपेगौड़ा जो फाउंडेशन है उसके द्वारा इसको सेलिब्रेट करवाया जाता है, ठीक है, तो इसको सेलिब्रेट किया गया है दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू WHO द बर्ड फ्लू वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक बियॉन्ड, तो WHO के अनुसार ब्लड फ्लू वायरस डैश से अधिक पकाए गए भोजन के माध्यम से प्रसारित नहीं कर सकते, मतलब ये कि आप भोजन को इतना पका लो कि ब्लड फ्लू वायरस जो है वो काम ना कर पाए, तो कितना पका लो, कितनी डिग्री सेल्सियस पे भोजन को पका लो, 100 डिग्री सेल्सियस पे आंसर करो, बहुत सही क्लास। ओके, कई लोग पूछ रहे थे बीच में कि आपका क्लास डेली कब होता है, तो मेरा ये जो ये तो देखो एक स्पेशल क्लास है, 6 घंटे कंटिन्यू चलेगी, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और मेरी जो क्लास का टाइम है वो रेगुलर क्लास का टाइम 9 बजे का है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, और एक आध ऑप्शन और हो तो अपने मन से भी लगा दो तुम लोग, है ना। और करेक्ट आंसर होगा बेटा 60, करेक्ट आंसर होगा 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप भोजन को पकाते हैं तो ब्लड फ्लू का जो वायरस होता है वो एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है, तो एटलीस्ट आपके 70 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलोर में, बिल्कुल सही है रविशंकर जी, परंतु इसका ये तात्पर्य नहीं है कि कैंपेगौड़ा फेस्टिवल भी आपके बेंगलोर या कर्नाटका में ही हो, उसका आयोजन दिल्ली में किया गया है ना, अपन अपने हिसाब से नहीं लगा सकते ना इसको, समझ रहे हो बात को। चलो, तो करेक्ट आंसर 70 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, Which among the following hormone has a stimulatory effect on the heart? इनमें से कौन सा हार्मोन का प्रभाव या हार्मोन का जो प्रभाव है वो हृदय पर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, हिंदी है एस्ट्रोन, यहां पे हार्मोन का नाम है एस्ट्रोन, इरिथ्रोपोएटिन, थायरोक्सिन और एपिनेफ्रिन, हाँ राहुल 70 डिग्री पे आप उसको पका लेना, आराम से खा सकते हो चिकन, कोई दिक्कत नहीं है, कितना खुश हो गया राहुल वेरी गुड गाइज, आंसर कर दीजिए। ओके, इशिता मैम कह रही हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि इरिथ्रोपोएटिन, बहुत सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई लोग थायरोक्सिन भी बोल रहे हैं, डी होगा एपिनेफ्रिन, सोच लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से टाइम है आपके पास, मैं तो आंसर दे ही दूंगी, डोंट वरी, आज हिंदी में इंग्लिश दोनों में थे ना। चलिए तो करेक्ट आंसर कर देते हैं, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका इरिथ्रोपोएटिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, इरिथ्रोपोएटिन का एक्चुअली स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को जगा देना, जैसे अपन बोलते ना कि यार कॉफी दे दो या चाय दे दो, तो उसका मतलब ये होता है कि कॉफी या चाय में आपका कैफीन होता है, और कैफीन जब आप पीते हो या आपकी बॉडी इंटेक लेती है कैफीन का, तो वो आपके शरीर पे स्टिमुलेट का काम करती है,
ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा कॉफी ले लो तो वही कॉफी भैया डिप्रेशन का भी काम कर देगी। फिर कहो तुम लोग ज्यादा कॉफी पीते पीते थोड़ी देर बाद सोचो कैसे होगा, मेरा 1 करोड़ बच्चा आंसर पेपर में बैठने वाला है, मेरा तो नहीं हो पाएगा। तो वो क्यों? क्योंकि आपके कैफीन ने, बॉडी ने कैफीन को ज्यादा ले लिया है और आपके शरीर जो है वो उसको एज अ डिप्रेसेंट लेने लगा है। ठीक है, चलो ओके। रविशंकर जी, मेरा अनअकैडमी पर डेली जो क्लास होता है, क्या रविशंकर जी आप पेड बैच के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप प्लस के स्टूडेंट हैं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जब तक आंसर कर रहे हो आप लोग। विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज द स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट? विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज द स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट? बिल्कुल आनंद जी, आप मेहनत करने अगर तैयार हैं तो आपको जो कंटेंट चाहिए, आपको जो पीडीएफ चाहिए, वो हम आप लोगों को प्लस पर प्रोवाइड कराते हैं। जो टॉपिक तुम लोग बोल दोगे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेरे जो प्लस पर हैं और जो टॉपिक वो लोग बोल देते हैं, मैं उसका कंटेंट उसकी क्लास करा देती हूँ। तो आप लोग भी अगर अपनी मेहनत करने आप तैयार हैं तो डेफिनेटली आप सब आ सकते हैं वहां पर। ओके, करेक्ट आंसर करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर था, पूछा है पौधों का स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, टेंशन वाली चीज। तो पौधों का स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड होता है, इसको अपन हिंदी में ए बी ए हार्मोन के नाम से भी जाते हैं, जाना जाता है। ओके, कोई बात नहीं रविशंकर जी, आप अनअकैडमी पर फ्री क्लास, बेटा बहुत कम लोगों को शायद पता है कि अनअकैडमी पर आप फ्री क्लास भी ले सकते हैं, और अनअकैडमी पर जो फ्री क्लास होती है उसका डेली टाइम मेरा 6 से 7 का है। ठीक है, आप यहाँ पर भी मेरी डेली क्लास ले सकते हो, 9 बजे मैं डेली आती हूँ यहाँ पर। ओके रविशंकर जी, फिर तो आप डेफिनेटली वहां मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो श्रीकांत, हाय। तो एब्सिसिक एसिड का प्रॉब्लम क्या है कि एब्सिसिक एसिड जो है ना वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। ईशानी मैम जी आप कहाँ गई, बताइएगा थोड़ा सा, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर क्या होता है मैडम? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि पौधे की वृद्धि को कम करने वाला हार्मोन है ये। अब बताओ पौधे की वृद्धि नहीं हो रही तो पौधे को स्ट्रेस तो हो ही ना जाएगा इससे। ठीक है, समझ आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हिंदी में लिख दूंगी, चिंता मत करिए। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन फायरवर्क्स टू मेक अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट? इनमें से कौन सा मेटल, यानी कि इनमें से कौन सी धातु का प्रयोग पटाखों के या पटाखों में सफेद प्रकाश उत्पन्न करने के लिए होता है? बता दो जल्दी से। नहीं महेश स्वामी जी, यूट्यूब पर मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ, वैसे आज ये स्पेशल सेशन लिया है मैंने, इसलिए मैंने आज 5 बजे क्लास ली है। 9 बजे से जो क्लास मंडे से मैं लेने वाली हूँ उसमें मैं प्रॉपर टॉपिक पढ़ाऊंगी। अभी आप लोगों के साथ एक स्लाइड शेयर कर दूंगी मैं, जिसमें मेरे पूरे पूरे टॉपिक लिखे हैं कि मैं मंडे को क्या पढ़ाऊंगी, ट्यूजडे को क्या पढ़ाऊंगी, वेनसडे को क्या पढ़ाऊंगी। ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आप लोगों को। वेरी गुड, देखिए इशिता मैम ने अपन को आंसर कर दिया, वेरी नाइस। श्रीकांत मोंडल जी, मैं अनअकैडमी पर डेली हूं, आप कहाँ चले गए? मेरा ठिकाना अनअकैडमी प्लस है। आप लोगों को जब भी दिक्कत हो कि मैडम कहाँ गई, आप मुझे अनअकैडमी प्लस पर ढूंढ लीजिए, वहां मिल जाऊंगी और फ्री क्लास भी। चलिए तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कोई देने वाला है? वेरी गुड, मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैग्नीशियम जो है वो आपके पटाखों में व्हाइट रोशनी यानी कि व्हाइट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ट्रीज एज कैन बी फाउंड बाय, यानी कि एक वृक्ष की आयु किससे निकाली जाती है? वार्षिक रिंगों की संख्या से, शाखाओं की संख्या की गणना से, इसकी ऊंचाई को मापकर या इसकी परिधि को मापकर? एसके तुम पढ़ लो पहले, नाम एक तो पूरा नहीं लिखे हो अपना।
आंसर करो, एक वृक्ष की आयु कितनी पाई जाती है? कपिल कह रहे हैं गूगल पे ढूंढ लिया करो। हाँ वहां भी ढूंढ सकते हैं डेफिनेटली। हाँ श्रीकांत जी बहुत टाइम हो गया। गाइस लाइक कर देना यार ध्यान से, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो। एनुअल रिंग्स रविशंकर जी कह रहे हैं, वेरी गुड। तो काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, तो क्या होता है कि पौधे में कभी कभी यहाँ एनुअल रिंग ना लिख करके वो जाइलम रिंग भी लिख देते हैं। तो जो जाइलम और फ्लोएम वाली रिंग्स होती है ना, उससे भी किसी पौधे की आयु ज्ञात की जाती है। और मैं बता दूं आपको कि पौधे की आयु को ज्ञात करने का जो साइंस है, जो विज्ञान है, जो शाखा है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से उसको जाना जाता है। डेंड्रोलॉजी अगर आप लिख दोगे, यहां देखो, अगर आप डेंड्रोलॉजी लिख दोगे तो मतलब वृक्षों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ट्री। और अगर आप डेंड्रोक्रोनोलॉजी लिख दोगे तो मतलब वृक्षों की आयु ज्ञात करने का अध्ययन। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुज कह रहे हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। और अनुज जी के कहने पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कोल्ड वाटर, सलाइन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, वार्म वाटर। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ठंडा पानी, खारा पानी, आसुत पानी, गर्म पानी। बिल्कुल सही था। ओके रवि जी कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल पे तो एक आध क्लास आप लोगों की ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियोडिक टेबल पे क्लास हो जाएगी और अनअकैडमी प्लस पर भी अगर मैं उसको लेती हूँ तो भी आप लोग उसको अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वो फ्री क्लास होगी, है ना। डिस्टिल वाटर करेक्ट आंसर। तो डिस्टिल वाटर जो है वो आपके बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं? क्वेश्चन में मजा आ रहा है या नहीं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड यूज्ड इन मेडिसिन एज अ पेन किलर इज? दर्द निवारक के रूप में दवा में इनमें से कौन सा यौगिक प्रयोग करते हैं? यूरोट्रोपिन, क्लोरोफॉर्म, एस्पिरिन या एथाइल अल्कोहल। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर करो। आप लोग सिंपल अपना नॉर्मल डेली लाइफ में भी अक्सर ये रहता है सबके मेडिसिनल बॉक्सेस में। ओके सो ठीक है इशिता, वेरी गुड, करेक्ट है। तो भाई करेक्ट आंसर करते हैं और एस्पिरिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले आपके मार्केट में जब डिस्प्रिन इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी ना, उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, बहुत ज़रा सा अंतर होता है एस्पिरिन और डिस्प्रिन में। तो जब मार्केट में डिस्प्रिन नहीं लाई गई थी, उससे पहले मार्केट में एस्पिरिन ही चलती थी, लेकिन एस्पिरिन के साथ एक इशू हुआ और उसके बाद आपके डिस्प्रिन मार्केट में लॉन्च हो गई और आज तक मार्केट में डिस्प्रिन रूल कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्प्रिन को बैन कर चुकी है, फार्माकोलॉजी के हिसाब से डिस्प्रिन इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन हेल्थ, राइट। इसलिए चलिए वेरी गुड। चलिए तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम denser to rare medium at an angle of incidence more than critical angle of concerned media pair suffers. तो एक प्रकाश की किरण संघनता से दुर्लभ माध्यम तक पहुंचने के लिए संबंधित मीडिया युग्म के महत्वपूर्ण कोण से अधिक कोण से गुजरती है, क्या बनाएगी? अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो अनअकैडमी पे फॉलो करिए परिकल्प सर को। A light ray traveling from denser to rare medium at an angle of incidence more than critical angle of concerned media pair suffers.
आंसर करिए। बहुत कम लोग क्वेश्चन को आंसर कर पाए हैं अभी तक। टोटल इंटरनल करेक्ट है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है, इसका स्पेलिंग गड़बड़ हो गया है, ये रिफ्लेक्शन है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से आपका वो जो एंगल होगा वो एंगल आपका ज्यादा उस पे बनेगा, ठीक है। ओके चलिए, सो जब भी रे ऑफ एंगल बेसिकली इसमें काम करता है तो इस तरीके से आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अ सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप इजली कंपेयर टू लिक्विड बिकॉज ऑफ। एक ठोस किसकी वजह से तरल की तुलना में आसानी से अपना आकार नहीं बदल सकता? हायर डेंसिटी ऑफ सॉलिड, क्योंकि ठोस का उच्च घनत्व होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉलिड, क्योंकि ठोस में मजबूत अंतः आणविक बल होता है। लार्जर इंटरमोलिकुलर सेपरेशन इन सॉलिड, ठोस में बड़ा इंटरमोलिकुलर यानी कि अंतर्वेशीय स्थान होता है, अंतर आणविक स्थान होता है। बिगर मोलिकुलर साइज ऑफ सॉलिड, या फिर ठोस का आणविक आकार बड़ा होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर करो, सोचने वाली बात है बस केवल। ओके प्रसाद गुरु जी, कोई बात नहीं, मैं उसको चेक कर लेती हूँ अभी और फिर से अटेम्प्ट करवा देती हूँ। वेरी गुड अचला, ओके तो करेक्ट आंसर करते हैं। ये भाई नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि ठोस में मजबूत अंतः आणविक बल होता है, इसीलिए वो लोग अपना ज्यादा जल्दी जो शेप वगैरह है वो अपना नहीं बदल सकते, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हो, एक टाइम था एनटीपीसी में वाले क्वेश्चन आते थे कि ठोस का आकार संतुलित है या फिर लिक्विड का आकार है, या फिर ठोस का घनत्व कैसा होता है, तरल द्रव का घनत्व कैसा होता है, ये वाले क्वेश्चन। अभी देखो क्वेश्चन का टाइप मैंने यहाँ पे बदल कर दिया है थोड़ा सा, तो आपको ये हेल्प करेगा थोड़ा सा और उस पर आने के लिए, एक लेवल पे आने के लिए, है ना। गुड इवनिंग बेटा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच मास नंबर 23 एंड एटॉमिक नंबर 11 विल हैव, यानी कि एक एक एटम है, एक परमाणु है जिसकी द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु संख्या 11 है, वाले तत्व का परमाणु क्या होगा, उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपको मास नंबर की डेफिनेशन पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। संजीव जी, अच्छा संजीव जी अभी जुड़े हैं, ओके चलो मैं हिंट कर देती हूँ इस क्वेश्चन में। बेटा मास नंबर द्रव्यमान संख्या आपकी होती है, जो भी टोटल नंबर होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का एक एलिमेंट के अंदर, उसको अपन मास नंबर कहते हैं। आई होप सो इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे आप लोग। अब वेरी गुड, बहुत सही, ऑप्शन नंबर बी, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत सही, और कुछ जनता ने तो इसमें सोडियम मेंशन भी कर दिया है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि आगे से बढ़ करके तुम लोगों ने अपने आप से एक जानकारी यहाँ पर दे दी, बहुत बढ़िया। गाइज अभी जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, मैं उनको बता दूं कि ये क्लास आगे कंटिन्यू होगी, 7 बजे से मेरी जगह पर आ जाएंगे अमित सर और वो आपको कराएंगे मैथ्स की प्रैक्टिस, ठीक है। तो पूरा 6 घंटे का महायुद्ध है ये, देखते हैं 6 घंटे कब तक और लास्ट तक कौन लड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज, एन इंस्ट्रूमेंट मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज, सापेक्ष आर्द्रता को इनमें से कौन नापता है।
करेक्ट आंसर, हाइग्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर. तो हाइग्रोमीटर जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है बेटा. बैरोमीटर आपका क्या होता है? तो बैरोमीटर आपका एयर प्रेशर यानी कि हवा का जो दबाव होता है उसको मेजर करने का काम करता है. ठीक है, हाइड्रोमीटर तो हाइड्रोमीटर बेसिकली आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है लिक्विड की उसको मापने का काम करता है. लैक्टोमीटर आपके मिल्क उसको मेजर करने का काम करता है. तो ये मीटर वाले जितने भी, ये इंस्ट्रूमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है. इसकी तुम लोग एक लिस्ट बनाना और सीधे से याद कर लेना. अच्छा, कौन कौन लिख रहा है जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में जरा मुझे आंसर कर दो. कौन कौन जिसको आंसर नहीं आ रहा है, कौन कौन लिख रहा है अपनी कॉपी में? ओके, रवि, मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को आप जोड़ दो तो आपको मास नंबर मिल जाता है. यही होता है, बस ये इसका फॉर्मूला है. देखिए जरा कितने लोग लिख रहे हैं, जल्दी से मेंशन करो. और अगर आपको मेरी क्लास का डेली टाइम नहीं पता बेटा, मैं 9 बजे डेली क्लास में आती हूँ. इसी चैनल पर डेली रात को 9 बजे मेरी क्लास होती है. रोहित अग्रवाल जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है, मैं बता दूंगी अभी. अनुज, अच्छा आंसर था बाबू कुमार जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही. मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप हर क्वेश्चन लिखो, मेरा बस कहना इतना है जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं वो लिख लो, है ना. चलो, फायदा आप ही को होगा, मेरा कुछ नहीं होना, मेरे पास तो पूरा पीडीएफ है. और तुम लोग पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाते जरूर हो, पर पीडीएफ जब तुम लोगों को मिल जाएगा तो वो पीडीएफ केवल तुम्हारे फोन में एक डॉक्यूमेंट, एक फाइल मैनेजर के अंदर होगा. बस मुश्किल ये है कि कोई उसको दोबारा पढ़ता होगा. चलो, वर्दी एक जुनून कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपके आपकी सिफारिश पर नया क्वेश्चन आ गया है. द लेंस यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप इज, एक साधारण माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन सा है? अवतल दर्पण, बेलनाकार, कोई नहीं. बहुत बढ़िया, उत्तर करिए जरा. कॉन्वेक्स लेंस, बहुत सही, करेक्ट आंसर है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो भैया, उत्तल दर्पण जो है, उत्तल लेंस जो है वो, उत्तल लेंस का यूज आपके सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर किया जाता है. ठीक है, ताकि जो फोकल लेंथ हो ना, वो फोकल लेंथ क्या हो, छोटी बने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड शोल्जर ऑफ बॉडी, यानी कि रक्त कोशिकाओं को शरीर का शोल्डर कहा जाता है. इनमें से कौन सी रक्त कोशिकाओं को शरीर का शोल्डर ऑफ बॉडी कहते हैं? आंसर करो जरा क्वेश्चन का. इसमें तुम लोगों को बहुत सारी डिटेल्स बता दूंगी मैं. गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, लाइक अवश्य करें, तभी पीडीएफ मिलना है तुम लोगों को, वरना नहीं मिलना है. ओके, बिल्कुल सही. WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, या कहिए आपकी श्वेत रक्त कोशिकाओं को हम लोग, आपके WBC को हम लोग शोल्डर ऑफ द बॉडी के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि WBC आपके शरीर को प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षित रखने का जो काम है, वो सुरक्षित करने का काम आपके शरीर में WBC ही करती है. ठीक है, हमेशा याद रखना, WBC का उत्पादन बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है. WBC 2 से 5 दिन तक जीती है. WBC का जो डेथ है वो रुधिर यानी कि ब्लड में होता है. ठीक है,
फिर आ जाता है प्लेटलेट्स। कभी कभी पूछते हैं प्लेटलेट्स आपके शरीर में क्या करती है, तो प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। किसमें? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी एक तो रक्त को लाल रंग देती है आरबीसी भैया, और दूसरा आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ओके भुवनेश वेरी गुड, विक्की ठीक है, संजीव, उमेश कुमार वेरी गुड, रविशंकर जी, अचला वेरी गुड, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखोगे। WBC के बेटा टाइप पढ़ लेना, ठीक है, जो लोग CHSL वगैरह फेस करें वो WBC के टाइप पढ़ के जाना कि WBC दो प्रकार से विभाजित होती है, एक होती है कणिकामय WBC यानी कि ग्रैन्यूलोसाइट WBC, और एक होता है अकणिकामय WBC यानी कि आपके ए ग्रैन्यूलोसाइट WBC। ठीक है, तो ये दो टाइप की WBC आपकी होती है, इनके टाइप याद कर लेना, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, आपके इओसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये टाइप की WBC थोड़ा सा याद करके चलना। ठीक है एवरीवन, मुझे मालूम है सब लोग NTPC के बाद SSC जरूर टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डज एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, व्हाट डज एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, अक्षीय कंकाल में क्या होता है? अक्षीय कंकाल मैं आपको समझा दूंगी अभी क्या होता है, पूरा स्केलेटन सिस्टम एक दिन आप लोगों को पढ़ाना है मुझे तो बता दूंगी। जहां तक है ट्यूसडे को शायद स्केलेटन सिस्टम पढ़ाना है, इसका आंसर आ रहा है भैया, इसका आंसर स्किप कर दिया कपिल जी ने। अंकुश कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, थैंक यू संजीव। संजीव आप डेली 9 बजे क्लास में आ सकते हैं, मैं डेली 9 बजे आती हूँ। ठीक है, डेली रात के 9 बजे वाला क्लास मैं बायोलॉजी का एक क्लास पढ़ाती हूँ इसी चैनल पर, सेम चैनल पर। ऑल ऑफ द अबव भी आंसर आ रहा है, अच्छा कहां से तुम लोगों को लग रहा है कि ओके ठीक है वेरी गुड। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। तो बेटा स्केलेटन सिस्टम यानी कि जो कंकाल तंत्र होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है अक्षीय कंकाल जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपांगीय कंकाल। ठीक है, अक्षीय कंकाल चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला होता है स्कल यानी कि खोपड़ी, दूसरा होता है वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड, ठीक है, तीसरा होता है रिब्स यानी कि पसलियां, और चौथा होता है स्टर्नम यानी कि पसलियों से जो जुड़ा होता है, ये स्टर्नम है और ये पसलियां इससे जुड़ी होती है ऐसे। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर किया था आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी आता है एक्सियल स्केलेटन में। और मैं बता दूं अक्षीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या 80 होती है, अपेंडिकुलर कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या बेटा 126 होती है। ठीक है, तो ये वाला जो क्लास है स्केलेटन वाला क्लास, ये जहां तक मैं मंगलवार को पढ़ाऊंगी तो अभी बता दूंगी कि कब है प्रॉपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहां से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ मैन, मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी का नाम बताइए। नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ मैन, मैं थोड़ा सा तुम लोगों को ट्रिक हिंट दे देती हूं, ये वाला हिस्सा बिल्कुल, सुनील कुमार जी बिल्कुल सही था आपका। हाँ विक्की, विक्की काफी टाइम से बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं और आंसर भी बहुत जल्दी कर रहे हैं। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर क्लास लेते हैं ना तो एक बार ट्राई करिएगा आप, वहाँ पर अनअकैडमी प्लस पे हम लोग स्टूडेंट को बेसिकली क्या होता है, वहाँ पर एक पोल होता है, मैं समझाती हूँ थोड़ा ये क्या है, एक पोल होता है जिसमें क्या होता है, जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिखाया, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने पोल स्टार्ट कर दिया, तो आप लोगों का जो आंसर है ना वो सेकंड के हिसाब से शो होता है हमारे पास। ठीक
ठीक है, और फिर एक लीडर बोर्ड आता है जिसमें हर बच्चे की रैंक दिखी होती है कि इस बच्चे ने इतने सेकंड में आंसर किया तो इसकी इतने में से ये रैंक आई है। तो अनअकैडमी प्लस पर एक बार तुम लोग आओ, स्पेशल क्लास के लिए आओ बेटा, स्पेशल क्लास भी होती है, फ्री क्लास है, ठीक है। नमस्ते अनुराग। चलिए तो करेक्ट आंसर मैंडेविल, बहुत सही, सबने वो गूगल कर लिया इतने देर में। तो मैंडेविल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंडेविल बोन जो होती है ये आपकी एकमात्र मूवेबल बोन है स्कल के अंदर, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिंगर बोन्स आर ऑल्सो नोन एज, उंगली की हड्डियों को क्या कहा जाता है, ये फिंगर बोन्स को और क्या कहते हैं। पोल इज रियली ऑसम थिंग, मतलब पोल बहुत सही चीज है। संजीव जी पूछ रहे हैं कहाँ मिलेगी। संजीव जी आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके अपना टारगेट या जो भी गोल वगैरह है वो रेलवे सेट करो, ठीक है। और सेट करके आप मेरा नाम सर्च करिए शेफाली राठौर, वहां पर आपको स्पेशल क्लास दिखने लगेगी कल की, ठीक है, उसमें ज्वाइन हो जाओ। या फिर आप टेलीग्राम चैनल बेसिकली ज्वाइन करिए, वहां से मैं रोज लिंक भेज देती हूँ और आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। नहीं मैथ्स नहीं पढ़ाती हूँ बेटा मैं, लेकिन अनअकैडमी प्लस पर आके आपको हर एक टॉपिक मिलता है, हर एक सब्जेक्ट। चलिए तो उंगलियों की हड्डियों को बेटा फैलेंजेस कहा जाता है। मैं बता देती हूँ उसमें क्या है। ये वाली जो बोन आप देख रहे हैं अपर आर्म, इसको बोलते हैं अपन ह्यूमरस, एक हड्डी होती है। ये जो आप लोअर आर्म देख रहे हैं, दो हड्डी होती है, ठीक है, रेडियस और अल्ना करके। फिर ये जो कलाई वाली हड्डियां आप लोग देखते हैं, इनको अपन बोलते हैं क्या, कार्पल्स। ये जो पांच हड्डियां आप देख रहे हैं यहां, ये वाली चीज, इनको अपन बोलते हैं मेटाकार्पल्स। ये जो फिंगर देख रहे हैं आप, इनको अपन बोलते हैं फैलेंजेस, ठीक है। तो ऐसे होता है ये पूरा। अच्छा वेरी गुड, ओके। चलिए कपिल शर्मा के कमेंट बॉक्स को आप लोग थोड़ा देख लें। कपिल जी जो भी आपने लिखा है उसको मेंशन कर दे कि वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लैंड विच सिक्रीट मेलाटोनिन, इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन श्रावित करती है। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन श्रावित करती है, वेरी गुड राहुल, बहुत सही अनुराग। इस क्वेश्चन, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, दे दूंगी वहां पर। चलिए तो करेक्ट आंसर कर देते हैं भैया, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि मेलाटोनिन कौन सी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, और देखिए इशिता जी ने इस क्वेश्चन को आंसर किया है बी के नाम से, यानी कि पीनियल के नाम से, और बिल्कुल सही है इशिता जी, पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। अब ये पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो ये पीनियल ग्रंथि ब्रेन में होती है, ठीक है। पिट्यूटरी कहाँ होती है, ये भी ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में होती है। थायराइड ग्रंथि या थ्रोट या गले में होती है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा होता है बेटा, कल उस दिन बताया था जिस दिन ब्रेन पढ़ाया था, आपकी खुशी, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपको भूख लगना, आपको प्यास लगना, आपको गुस्सा आना, बगल वाले से जलन होना, या फिर जितनी भी जो इमोशनल फीलिंग, कहीं और कोई और इमोशनल फीलिंग जो होती है, उन सबको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो बायो की क्लास में तुम लोग कल से डेली 9 बजे आओ, बहुत मजा आएगा बायो की क्लास में, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है, क्योंकि बच्चे बायो में उल्टे सीधे क्वेश्चन करते ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल आनंद, करेक्ट आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पल्स इज कॉल्ड, यानी कि रक्त वाहिकाओं के गठन की प्रक्रिया को डैश क्या कहा जाता है। The process of formation of blood carpels, यानी कि आपकी जो blood carpels होती हैं, उसके बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग। हाँ आसिफ करेक्ट है, pineal gland brain में होती है, brain के hypothalamus वाले part में मटर के दाने के समान छोटी सी ग्रंथि होती है। बेटा आंसर करो, blood carpels formation को क्या कहा जाता है।
ओके सो करेक्ट आंसर कर देते हैं एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके इशिता जी ने आंसर कर दिया. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पल्स इज कॉल्ड. वेरी गुड. तो यहाँ पे आपका जब भी मतलब ये बोल रहा है कि रक्त की कोशिकाएं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका हेमोपोइसिस. ठीक है, तो कभी कभी इसको हेमोपोइसिस और कभी कभी हेमेटोपोसिस इस नाम से भी जानते हैं. हेमेटोमीटर बेसिकली वो मीटर होता है जो आरबीसी नंबर ऑफ आरबीसी को मापने का काम करता है. ठीक है, हेमेजोइन हेमेजोइन. अच्छा, तो हेमेजोइन क्या होता है? हेमेजोइन बेसिकली आपका जो डाइजेशन होता है ब्लड का, ठीक है, उस बेसिकली ऐसा कहो कि एक ऐसा प्रोडक्ट होता है या डिस्पोजल प्रोडक्ट होता है पूरा, जो कि बनता है आपके डाइजेशन ऑफ ब्लड से, उस प्रोसेस को हम लोग हेमोजोइन कहते हैं. ठीक है, हेमोलाइसिस, कोई बताएगा हेमोलाइसिस क्या होता है या मुझे ही बताना है सब? ओके देखो, हेमोलाइसिस बेसिकली आपका ब्रेक, आरबीसी जो टूटती है ना, आरबीसी जो ब्रेक होती है उसको अपन बोलते हैं हेमोलाइसिस. ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी आप इसको कह सकते हो, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी. समझ आया? क्लियर है? चलिए ओके बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन. माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से किसमें अनुपस्थित होता है? ये बहुत आते हैं, जैसे वो आपसे बोल देंगे कि ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गी में बैक्टीरिया है या क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन, वेरी गुड करेक्ट है. तो भाई बैक्टीरिया में आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अनुपस्थित होता है, बैक्टीरिया में आपके माइटोकॉन्ड्रिया को अनुपस्थित रखा जाता है. ठीक है, और साथ ही साथ आपका अगर यहाँ पे प्रॉपर होता तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि हरे नीले शैवाल में भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अनुपस्थित रहेगा, वहां पर भी यहाँ ये नहीं होता है. क्लियर है? बात समझ में आ गई? वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं. हमेशा याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी जो कार्बनिक और जो अकार्बनिक तत्व होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, उनका ऑक्सीडेशन होता है और उसी से एनर्जी पूरी निकलती है. और माइटोकॉन्ड्रिया में वो एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होती है या एटीपी के रूप में संचित होती है. एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करो जरा, अगर कोई कर पाए तो. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, कोई बताएगा वो लिक्विड क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, कोई बताएगा माइटोकॉन्ड्रिया का वो लिक्विड क्या कहलाता है? Anyone can answer? देख लीजिए, 2 घंटे आप लोगों ने निकाली और आपको पता भी नहीं चला. साइटोप्लाज्म. भैया जो लोग साइटोप्लाज्म कर रहे हैं, बेटा साइटो का मतलब होता है सेल, है ना, और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड. यानी कि आप मुझे बता रहे हैं कि कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं. और आशीष रॉक स्टार, ऑसम. रविशंकर जी भी थोड़ा क्लोज थे,
आई थिंक वो क्लियर है, मैट्रिक्स इज द करेक्ट आंसर। तो भैया आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। राकेश गुप्ता जी सर नहीं मैम कह लीजिए, थोड़ा ठीक लगेगा हमको, है ना। तो करेक्ट आंसर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया। गाइज मेरे बाद आप अटेंड करिए 7 से 9 यानी कि 7 to 9 अमित सर का क्लास है, क्योंकि ये पूरा 6 घंटे का महायुद्ध है, तो और 9 से 11 रीजनिंग का क्लास है, ठीक है। तो ये दो क्लासेस में भी आप ज्वाइन करिए। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया, सांची स्तूप वॉज बिल्ट बाय, वेरी गुड अकबर। बस बस गोड़ दिया तुम लोगों ने, बर्बादी मचा दी पूरी। अशोक करेक्ट आंसर, अशोक इज द करेक्ट आंसर बेटा। अशोक ने आपके सांची के स्तूप का निर्माण किया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश भोपाल से रायसेन जिले में आपका सांची नामक एक एरिया स्थित है, वहां पर अशोक ने आपके सांची स्तूप को निर्मित कराया। अशोक अपने इंडियन हिस्ट्री में एकमात्र रूलर है, एकमात्र राजा है जिसने सबसे ज्यादा शिलालेखों का निर्माण कराया था, या जिसके भारत में सबसे ज्यादा शिलालेख है, ठीक है। ओके अकबर, अगर आपसे पूछा जाए अकबर ने क्या क्या बनवाया, तो देखो अकबर के केस में आप याद रखो कि अकबर ने जो है वो आपका आगरा फोर्ट यानी कि आगरा का किला, आपका इलाहाबाद फोर्ट इलाहाबाद का किला, लाहौर फोर्ट लाहौर का किला, ठीक है, मरियम महल का किला, मरियम महल का पैलेस एक तरह से वो बनवाया, ठीक है। और इसके अलावा अकबर ने आपका बेसिकली फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल, हवा महल, आपके बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती की दरगाह को फिर से बनाया, ये सारी चीजें जो है वो आपके सांचे अकबर ने बनवाई थी। हुमायूं ने बेटा केवल दिल्ली में दीन ए इलाही का निर्माण कराया था, दीन ए इलाही का निर्माण कराया था, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को यहां पे? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच अमंग द फेमस dances use is not an exponent of the Odissi dance style. सॉरी दीने लाई बोल दिया क्या, सॉरी ये बेटा दरअसल आपका वो था दीने लाई अकबर के द्वारा 1582 में चलाया गया पूरा एक धर्म था, ठीक है, दीने लाई नहीं होगा। ओके तो ये आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है, करेक्ट आंसर करते हैं। विच अमंग द फेमस डांसर इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ ओडिसी डांसर, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो आपकी ओडिसी डांसर के उसमें नहीं आती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सत्यजीत रे एसोसिएटेड, आपके सत्यजीत रे इनमें से किससे संबंधित है। वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट है यानी कि वाणिज्यिक कलाकार है, वो एक क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, या फिल्मों के डायरेक्शन से संबंधित है। आंसर करिएगा, ओके सो करेक्ट, ठीक है। और करेक्ट आंसर अगर मैं करूं इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ फिल्म्स, ठीक है,
तो डायरेक्शन ऑफ फिल्म्स के नाम से ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइज आप लोग मेरे नाम पे मत करिएगा, ये आप लोग जो सब्सक्राइब करते हैं, ये जो चैनल नेम आप लोगों को दिख रहा है ना, उस चैनल पर आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन दीजिए। वहां पर उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, तभी आपको नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपको मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। कई सारे बच्चे जो है वो मेरे नाम पर इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो कृपया मेरे नाम पर सब्सक्राइब ना करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला दिख रहा है आपको, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यटन दिवस भैया कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वेरी गुड, 27 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, तुम लोग बी क्यों कह रहे हो? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 27 सितंबर को आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, तो ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने मुझे 5 बजे एकदम अटेंड किया था, लॉग इन किया था, और वो अभी तक मेरे साथ है। आप लोगों को बेटा फायदा तो जरूर होगा, देखना ये क्वेश्चंस आप लोगों को डेफिनेटली अपने एग्जाम में पक्का एक आध तो मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बैटल ऑफ बांदीवश द इंग्लिश डिफीटेड, बांदीवश के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? इन द बैटल ऑफ बांदीवश इंग्लिश डिफीटेड, हेलो आईएएस जी, कैसे हैं आप सर? वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर सही है। 1760 में डचेस को इन्होंने हराया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1760। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से। 22 जनवरी 1760, अगर किसी को डेट याद रखनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बताइएगा। थैंक यू आईएएस जी, एंड आई एम ऑल्सो गुड। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आईएएस जी, आपका नॉलेज तो काफी अच्छा होगा, नाम के आगे आईएएस है तो फिर तो आप एकदम सारे क्वेश्चन को सही कर देंगे। बताइएगा आंसर सर, वेरी गुड। कविता, संजीव, वेरी नाइस। गाइज डेली क्लास 9 बजे होता है, और मेरे बाद आप अटेंड करेंगे अमित सर की क्लास फॉर मैथ्स। अरे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना टाइम क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन में? ओके, करेक्ट आंसर कर देती हूँ, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपके 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक वो भारत में राष्ट्रपति रहे, यानी कि 12 साल का कार्यकाल जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से बनने वाले पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक सबसे लंबा कार्यकाल निभाने वाले पहले राष्ट्रपति है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले राष्ट्रपति जो पूर्व पहले उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिल गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जिनके पद पर रहकर डेथ हुई, मृत्यु हुई, वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक और भारत के पहले पूर्णतः राष्ट्रपति, दोनों पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत आते हैं, इसलिए मैंने आपको चारों प्रेसिडेंट का कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। ठीक है,
ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ देखिएगा, द लास्ट मुगल एम्परर वॉज, यानी कि अंतिम मुगल शासक कौन था, अंतिम मुगल शासक कौन था, और जिसको ओके आंसर करिएगा। ओके सो करेक्ट आंसर भैया, लास्ट मुगल रूलर जो है वो था बहादुर शाह जफर सेकंड, अगर अपन लगा देते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाता है। 1837 से लेके 1857 तक इन्होंने भारत में जो है वो अपने मुगल साम्राज्य के लास्ट पद की एक तरह से गद्दी को संभाला था। ठीक है चलिए, और किसी को कोई डाउट है यहां तक, मुगल से अगर कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज, धमनी रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। थैंक यू सो मच गाइस, डेली मेरी रात के 9 बजे यहीं इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास होगी, आप लोग आ सकते हैं ज्वाइन करने, डेली नाइट में 9 बजे। थैंक यू उमा कुमारी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आईएस जी। वेरी गुड, तो भाई आर्ट्रियल, हाँ करेक्ट है, स्फिग्मोमैमोमीटर, सॉरी स्फिग्मोस्कोप जो है उसका यूज जो है वो आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर को मेजर करने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए आप लोगों ने 2 घंटे में बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एनीमोमीटर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। अभी आप लोगों को कल से मंडे से जो भी क्लासेस हैं मेरी यहाँ यूट्यूब पर वो सारी क्लास का शेड्यूल मैं शो कर दूंगी, कल मंडे से 9 बजे इसी चैनल पर क्लास है, और क्या पढ़ेंगे हम लोग मंडे से लेके सैटरडे तक वो भी अभी बता दूंगी। अरे नारपेंदर जी ये हिंदी तो लिखा है यार, देखो ना, एनीमोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, हवा की दिशा, पवन का वेग, दाब प्रवणता, हवा की गति और समय। सर हिंदी दिख रही है या नहीं बताइए।